हेलो, स्टॉप किडनी डायलिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या ज़्यादा वाटर इनटेक किडनी के लिए अच्छा होता है या बुरा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किडनी का काम बॉडी से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का होता है और उसके लिए किडनी को लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। फिर यूरिन के ज़रिए वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर आप लिक्विड का सेवन कम करेंगे तो आपको कई किडनी की बीमारी होने का भी खतरा हो सकता है, साथ ही साथ कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि स्वेलिंग, वॉमिटिंग, फीवर एक्सेट्रा। ये गलत फहमी है कि हर किसी को डेली 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, लेकिन डेली वाटर इनटेक की नीड हर इंसान की अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, मेल और फीमेल का लिक्विड इनटेक सेवन लगभग 3.7 लीटर और 2.7 लीटर तक होना चाहिए। लेकिन अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपको इसके सेवन को लिमिटेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको वाटर का इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आप किडनी की बीमारी से बचे रहेंगे। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी की स्टेज 3 में अक्सर 3 ग्लास पानी पीने की एडवाइस दी जाती है। किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए वाटर का इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट रहेंगे तो आपको कमज़ोरी और वॉमिटिंग महसूस हो सकती है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन आपकी किडनी पर इम्पैक्ट डाल सकता है और किडनी को ख़राब कर सकता है। आप कुछ तरीके से ये जान सकते हैं कि आप वाटर का सही इनटेक कर रहे हैं या नहीं, जिससे आपकी किडनी हेल्दी बनी रहेगी। कोशिश करें कि आप 8 ग्लास पानी पिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को 8 ग्लास पानी पीने की जरूरत हो। इंस्टीट्यूट मेडिसिन ने यह अनुमान लगाया कि मेल को डेली 13 कप और फीमेल को 9 कप वाटर पानी पीने की जरूरत होती है। सेकेंड है, अगर आपकी किडनी फेल हो चुकी है और आपको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत है तो आपको वाटर इनटेक को लिमिटेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो पेशेंट डायलिसिस का ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं उन्हें ज़्यादा वाटर इनटेक की मनाही होती है। थर्ड है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या खिलाड़ी हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और आपको हाइपोनेट्रेमिया नाम की बीमारी हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए। फोर्थ है, ज़्यादा पानी पीने से आप किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बीमारी से भी बचे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन्स नहीं बन पाते और ज़्यादा पानी से यूरिन भी ज़्यादा आता है, जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता। इन दोनों बीमारियों से आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, तो इनसे बचे रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है, कुछ मेडिसिन लेते टाइम ये ध्यान रखें कि क्या ज़्यादा पानी पीना सही है या नहीं, क्योंकि इससे उन मेडिसिन से इन्फेक्शन हो सकता है। खास तौर पर अगर आपको वाटर को लिमिटेड करने की एडवाइस दी गई हो तो आपको मेडिसिन खरीदते टाइम उनका लेबल ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको कुछ ड्रिंक्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि पहला है एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि ये किडनी के लिए हेल्दी माना जाता है। ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर को आप डेली रूटीन में पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं। सेकेंड है बीटरूट का जूस, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी में यूरिन ज़्यादा बनता है और किडनी से वेस्ट मटेरियल ईजिली यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। लास्ट है क्रैनबेरी जूस, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को होने से रोकता है। ये जूस काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है, क्योंकि ये ब्लैडर में होने वाले बैक्टीरिया को भी कम करता है, और अगर आप किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट को कम करना चाहते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे आप किडनी स्टोन की बीमारी से भी बचे रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको किस क्वांटिटी में पानी लेना चाहिए अगर आपको किडनी की बीमारी है तो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम अगली बार से वीडियो बना सकें, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। थैंक यू।
अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205, 0114264474। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।